हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष कुमार सिंह एंड वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन यूएसए। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक करेक्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, शेयर कर सकूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं बहुत बेसिक सब्जेक्ट पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेज है। मैं यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं डीएनए आरएनए पे डिफरेंस, लेकिन आपको मैं श्योर करता हूँ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको नया जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, और की डिफरेंसेस क्या है डीएनए और आरएनए में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि आप नया चीज यहाँ सीखेगा डीएनए आरएनए के डिफरेंस में, और आप इस की पॉइंट को किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आई कैची है, आपको आराम से माइंड में रहेगा। तो पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में, तो पहला जो है वो फुल फॉर्म है। डीएनए जो है वो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए जो होता है वो रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं स्ट्रैंड की। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, तो थर्ड फैक्टर है स्टेबिलिटी। देखिए डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। अगर एल्कली कंडीशन में डीएनए को आप रखिएगा तो डीएनए जो है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आरएनए। इसका वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां पर डिस्कस भी करता हूं व्हाट इज द रीजन। एक्चुअली डीएनए में जो शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द आरएनए, मतलब, और इसीलिए डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीजन कम है एट सेकंड कार्बन। लेकिन आरएनए में क्या होता है, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, मतलब ओएच रहता है, लेकिन डीएनए में सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो जिसकी वजह से जो ओएच ग्रुप है वो ओएच ग्रुप में जो ओ है ऑक्सीजन है वो एल्कलाइन मीडियम से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए आरएनए जो है वो आपको लेस स्टेबल होगा, लेकिन डीएनए के पास चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो स्टेबल रहेगा। फोर्थ नंबर पे है अल्ट्रा वायलेट सेंसिटिविटी, मतलब यूवी सेंसिटिविटी। देखिए डीएनए इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू आरएनए इन रिस्पांस टू द यूवी अल्ट्रा वायलेट रे। इसीलिए आप सुनते होंगे कि यूवी कॉज द म्यूटेशन इन डीएनए, लेकिन यूवी से जो है आरएनए वो लेस सेंसिटिव होता है। फिफ्थ है शुगर। आप जानते होंगे कि डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दोनों में डिफरेंस ये कि डीएनए के केस में सेकंड नंबर पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, लेकिन आरएनए के केस में जो शुगर है उसमें सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। सिक्स नंबर है लेंथ। देखिए डीएनए एक लार्ज पॉलीमर है एज कंपेयर टू द आरएनए, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो डीएनए ऑलवेज बी लॉन्गर एज कंपेयर टू द आरएनए। सेवन फैक्टर लोकेशन। अगर लोकेशन की बात करें तो डीएनए जो है वो आपको सिर्फ न्यूक्लियस में होता है और कुछ अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। लेकिन आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, न्यूक्लियोलस में भी होता है, और इवन राइबोसोम में भी पाया जाता है। एट नंबर प्रोपेगेशन। डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी, मतलब क्या, वो खुद से अपने आप को बनाता है, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन आरएनए इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वो भी एज पर द नीड, मतलब अगर बॉडी को, अगर सेल को नीड है तभी डीएनए से आरएनए बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नंबर नाइन इज बेस पेयरिंग। सब आप लोग जानते भी होंगे लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करता हूं। देखिए डीएनए में जो होता है वो आपको एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन के बदले यूरासिल होता है। और यहां जो बेस पेयरिंग है वो भी डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में एडेनिन और थायमिन के बेस पेयर होता है, और आरएनए में एडेनिन और यूरासिल के बीच में बेस पेयरिंग होता है। नंबर 10 फॉर्म की बात करते हैं। जो मेजर फॉर्म है डीएनए का वो बी फॉर्म है, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल को डेवलप किया था उसी को कहते हैं बी फॉर्म। और आरएनए जो होता है आपको एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ऑल आर वेरी फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द ह्यूमन लिविंग बींग्स। अब जो मैं यहां बताऊंगा वो थोड़ा सा नोवेल होगा, नया होगा। देखिए जब भी किसी जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहां जो हमारा टारगेट होता है वो आरएनए होता है, हम आरएनए को टारगेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, और उस टेक्निक को कहते हैं आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर। लेकिन डीएनए को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। तो ये एक आप नया, मुझे लगता है कि आप नया चीज सीखे, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग भी लैब में जब जीन एक्सप्रेशन को चेक करते हैं तो आरएनए एज ए टारगेट लेते हैं, ना कि डीएनए। हम लोग आरएनए को प्यूरीफाई करते हैं, आरएनए को फिर सीडीएनए बनाते हैं, तब जीन एक्सप्रेशन चेक करते हैं। तो मतलब जीन एक्सप्रेशन अगर चेक करना है तो हमें डीएनए नहीं आरएनए लेना होगा। नंबर 12 आरएनए सीक, ये भी आप लोग के लिए नया होगा। जब सेल में पूरे ट्रांसक्रिप्टोम को अगर मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि पूरे सेल में कौन कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग आरएनए सीक टेक्निक के थ्रू करते हैं। और आरएनए सीक को यूज करके एक सेल के अंदर हर एक जीन का कितना एक्सप्रेशन है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए को यूज नहीं कर सकते। मतलब कि पूरे ट्रांसक्रिप्टोम को अगर एनालिसिस करना है, पूरे जीन में कौन सा जीन कितने लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसके लिए हमको आरएनए यूज करना होगा, ना कि डीएनए। नंबर 13 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंसिटिविटी। देखिए डीएनए जो है वो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पोजीशन पे बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस डाइजेस्ट करता है, लेकिन आरएनए जो है बहुत बहुत रेयर है कि आरएनए जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। हालांकि कुछ एंजाइम है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आरएनए को भी डाइजेस्ट करता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, आपको मैंने अभी डिस्कस किया कि आरएनए में जो बेस पेयरिंग होती है वो एडेनिन और यूरासिल की होती है, जबकि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन होती है। मोस्ट ऑफ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करती है एडेनिन और थाइमिन को, यूरासिल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इफिशियंटली आरएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द आरएनए। नंबर 14 की बात करें तो डेंसिटी। देखिए, डीएनए और आरएनए में आरएनए इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू द डीएनए। अगर सीएससीएल डेंसिटी सर्टिफिकेशन हम अगर करें, डेंसिटी ग्रेडियंट सर्टिफिकेशन करें, तो डीएनए जो आरएनए जो होगा वो बॉटम में जाएगा और डीएनए जो होगा वो मिडिल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए जो है मोर डेंसर एज कंपेयर टू द डीएनए। नंबर 15 है एंजाइमेटिक डाइजेशन। देखिए, डीएनए को जो डाइजेस्ट करता है उसको हम लोग डीएनएज कहते हैं और आरएनए को जो डाइजेस्ट करता है उसको हम लोग आरएनएज कहते हैं। तो ये डिफरेंस है, मतलब डीएनए जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट करता है और आरएनए जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। नंबर 16 है एब्जॉर्बेंस रेशियो एट 260/280 nm रेशियो। तो डीएनए के केस में जो 260/280 रेशियो होता है वो 2 होता है, लेकिन आरएनए के केस में 260/280 रेशियो 1.8 होता है। अब आप सोचेंगे कि ये एब्जॉर्बेंस रेशियो हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए, सैंपल में प्योरिटी चेक करने के लिए कि सैंपल में डीएनए प्योर है या नहीं, तो उसके लिए हम 260/280 रेशियो को चेक करते हैं। तो अगर किसी सैंपल को आप चेक करेंगे उसका एब्जॉर्बेंस और उसका एब्जॉर्बेंस एट 260/280 nm 2 आएगा, तो सोचिए तो समझिए आप वो डीएनए प्योर है। अगर 260/280 nm का रेशियो अगर 1.8 है तो समझिए वो आरएनए है और आरएनए प्योरिटी प्योर है। नंबर 17 है फॉरेंसिक साइंस यूज। देखिए, फॉरेंसिक साइंस मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, इसके लिए ना हर वक्त डीएनए एज सैंपल यूज करते हैं, आरएनए कभी नहीं यूज करते हैं। तो ये भी आप नया चीज है जो मैं आपको यहाँ पे कोट किया। अब आप ऑल टुगेदर देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारी डिफरेंस है मैंने नया आपको दिया यहाँ पे डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेज में। लेकिन मैं इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आप इसका रिप्लाई जरूर कॉमेंट बॉक्स में कीजिए। और आपको ये क्वेश्चन बहुत नोबेल लगेगा और एक जेन्यून लॉजिकल लगेगा। और क्वेश्चन ये है कि व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, व्हाई नॉट आरएनए, जबकि आरएनए डीएनए से ही बनता है। तो हमें एक स्टेप की जरूरत क्यों है, हम क्यों डीएनए से आरएनए बनाएं, ट्रांसक्रिप्शन करवाएं? डायरेक्ट आरएनए अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन। आफ्टरऑल आपको प्रोटीन की जरूरत है, तो आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। मैं वैसे इसका आंसर ये बता देता हूं, मैंने इस वीडियो में ही कवर किया स्टेबिलिटी। DNA is more stable as compared to the RNA. मतलब DNA जो है वो stable है as compared to RNA. तो सोचिए, अगर किसी अगर human body का genetic information ही stable नहीं है तो वो stable कैसे रहेगा, वो इंसान exist कैसे करेगा, human exist कैसे करेगा? इसीलिए DNA is the genetic material, not the RNA. Question number 2, जो कि बहुत valid है, logic है, आप इसको सोचिए। Why virus is going a lot of mutation? आप अक्सर सुने होंगे कोविड के टाइम में कि नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया। ये नया वेरिएंट क्या है, क्यों ये नया वेरिएंट बार बार आता है? देखिए, इसका रीजन ये है, क्योंकि मैंने बताया कि आरएनए जो होता है उसमें म्यूटेशन बहुत आती है, उसमें वो स्टेबल नहीं होता है। मैंने बताया कि आरएनए इज लेस स्टेबल, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। तो आप जानते हैं कि कोविड-19 एक वायरस है और उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या, आरएनए। तो आरएनए जो है कंटिन्यूअसली लगातार म्यूटेशन होते रहता है, तो जिसकी वजह से नया वेरिएंट क्रिएट होता है। इसीलिए जो है वो वायरस के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो वेरिएंट है वो लगातार चेंज आती रहती है, नया वेरिएंट आता है। आप इस पर डेवलप करेंगे, नया वेरिएंट आ जाएगा। आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोग के लिए और आप लोग डेफिनेटली कुछ नया सीखे होंगे यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, बुक में है, वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी सीखे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे फॉरेंसिक साइंस में कैसे यूज करते हैं, जीन एक्सप्रेशन के बेसिस पे कैसे डिफरेंस यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए और मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई भी आप जरूर दीजिए, क्योंकि वो एक इंगेजमेंट होगा आपके और मेरे बीच में और दूसरों लोग के लिए भी। तो दूसरे भी आएंगे प्लेटफॉर्म पर और वो क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल पर अपडेटेड रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।